बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को देसी किचन की जानिब से हसन अब्बास का सलाम हो। आज के व्लॉग में हम बनाएंगे काले चने। काले चने बनाने के लिए हमने चीज़ों को तैयार किया है, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने काट लिए हैं। सबसे पहले चूल्हे पर आग जला लेते हैं, उसके बाद हम कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। साथ हम घी डाल देंगे। घी गर्म होते साथ हम प्याज डाल देंगे। प्याज इनके साथ ही हम डाल देते हैं। साथ हम टमाटर काट लेते हैं। टमाटर हमने काट लिए हैं, इसके साथ एक नींबू हम काट लेंगे। फिर चार पीस बना लेते हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने पहले से बना के रख दिया है। इसमें खुश्क मसाला जात 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। और चने हमने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं। इनको 1.5 घंटा हमने चूल्हे पर पकाया है हल्की आंच पे, तो उसके बाद ये माशाल्लाह से बिल्कुल जो ना ये सब हो गए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। और थोड़ी सी देर कर देते हैं। अदरक लहसुन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। 2 टमाटर हैं, 1 नींबू के साथ में। हमें इसको अब अच्छी तरह पकाना है। टमाटर जैसे सॉफ्ट होंगे उसके साथ हम कुछ मसाला जार ऐड कर देंगे। दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में हमारी और सब्सक्राइब करें। मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। टमाटर थोड़े से गल चुके हैं, अब इसमें हम खुश्क मसाले डाल देते हैं। इसमें हम हल्दी डाल देंगे, खुश्क धनिया, नमक। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि नमक हमने चना में पहले डाल दिया था। ब्लैक पेपर, तो मज़ीद 8 से 10 मिनट तक हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाएं। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, अब इसमें हम चने डाल देंगे। हमने चने डाल दिए हैं।
इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ढक्कन को बंद कर देंगे, मज़ीद 10 से 15 मिनट इसकी फ्राई करेंगे। इसको धनिया हमने काट ली है, ढक्कन उतार के हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी है, मज़ीद इसकी हम थोड़ी सी भुनाई और करेंगे। चने बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये पानी जो हमने चनों का पहले निकाल के रखा था, इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकाएंगे। हम चेक कर लेते हैं चनों को, चने बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे जो कि हमने बारीक बारीक काट के रखा है। दो सब्ज़ मिर्च डाल देंगे सेंटर से बारीक कटी हुई, 1 से 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे। चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है और अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें हसन अब्बास को, अल्लाह हाफिज़।